नमस्कार दोस्तों, पौष्टिक खाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडा मसाला ग्रेवी। अंडा ग्रेवी ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है और सब बड़े ही शौक से खाते हैं। चलिए आज हम सब मिलकर इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने 7 अंडे तैयार कर रखे हैं उबाल कर, और अब आ रही है इनको फ्राई करने की। लेकिन इन्हें फ्राई करने से पहले मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। देखिए मैंने इसे क्या करना शुरू कर दिया। पहले हम सारे अंडों को छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। इससे सारे अंडों पे जब हम मसाला लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। अंडों को कोट करने के लिए मैं आधा छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ, और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा ही छोटा चम्मच मैं गरम मसाला ले रही हूँ। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर भी डाल लेते हैं, और ऐसे हिला हिला के मसाले को अंडों के ऊपर कोट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अंडों पे मसाला कितने अच्छे से लगा है। अभी बिल्कुल रेडी है तलने के लिए। अब हम तलने के लिए तेल लेते हैं। मैं एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। आप कोई भी तेल अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, और अगर आपको सब्जी पे ज़्यादा तेल पसंद है तो आप तेल की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तेल मैंने बिल्कुल ग्रेवी के अनुसार लिया है, ज़्यादा तेल बिल्कुल नहीं लिया। ज़्यादा तेल लेना सेहत के लिए अच्छा माना भी नहीं जाता। यदि आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो तेल को खूब गर्म करना होगा। अब गैस को बंद करके थोड़ा ठंडा होने दें। अब एक प्याज का छोटा सा टुकड़ा तेल में डालकर टेम्परेचर चेक करें कि वो अंडों को तलने लायक है या नहीं। यदि तेल में डाले जाने पर प्याज धीरे धीरे छोटे छोटे बुलबुलों के साथ तल रही है तो टेम्परेचर अंडा तलने के लिए बिल्कुल ठीक है। और यदि प्याज छुन की आवाज़ के साथ जल्दी से ऊपर आ जाती है तो टेम्परेचर ज़्यादा हाई है। ऐसे में थोड़ा रुक कर अंडे तलना शुरू करें। मैंने प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा तेल में डाला है तो प्याज के पास छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं और बहुत धीरे धीरे प्याज तल रही है। अब हम अंडे डाल के तलना शुरू करते हैं, क्योंकि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अंडों को सावधानी से धीरे धीरे तेल में डालेंगे और तलेंगे। मैं इसे थोड़ा सा घुमा देती हूँ, कढ़ाई को थोड़ा हिला देती हूँ, और अब इसे ऊपर नीचे थोड़ा धीरे धीरे चम्मच को चलाएंगे, इस तरह से कोई अंडा फूट ना जाए। वैसे तो फटने की संभावना नहीं है क्योंकि हमारा तेल इतना गर्म नहीं है। आराम आराम से सारे अंडे तल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अंडे काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, और इनके ऊपर फ्राई होने का दाग भी आने लगा है। देखिए थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट तले जा चुके हैं। अब जो तेल ये बचा रह गया है इसमें हम प्याज भी तल लेते हैं। मैंने दो बड़े प्याज मोटे काट के लिए है। प्याज को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और डार्क ब्राउन कलर आने तक तलना है। प्याज को मैंने रफली कट किया है क्योंकि तलने के बाद हम इसे पीसेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर परफेक्ट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल के रख लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। बाद में हम इसे पीसना है और मसालों में ऐड करेंगे। प्याज को तलने के बाद भी हमारे पास काफ़ी तेल बचा है। अब इसको छान के इसी के अंदर हम ग्रेवी का मसाला तैयार करेंगे, और इसमें लेंगे खड़े मसाले, जिसमें एक छोटा चम्मच लेंगे जीरा, और दो तेज पत्ते लेंगे, एक बड़ी इलायची ले लेंगे, थोड़ी सी दालचीनी ले लेते हैं, 4-5 काली मिर्च, एक छोटी इलायची डाल लेते हैं, 3 लौंग डाल लेते हैं। अब इन्हें कड़काएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक और 6 से 7 लहसुन की कलियों का पेस्ट। इसे लो फ्लेम पर तलेंगे और बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक तलना है। अब पेस्ट का कलर लहसुन अदरक का पेस्ट भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। इसमें जाएगी आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे। अब मसाले को भूनेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम लो ही रहेगी।
मसाला अब हमारा भुनने वाला है और आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भुन चुका है और तेल इसमें ऊपर आ गया है। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी को देर तक भूनना है और कड़क मसाला भूनना है। ये टमाटर हमारे भुन चुके हैं, तेल ऊपर आ गया है, थोड़ा सा आया है, ज़्यादा तेल इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने तेल बहुत कम रखा है। अब इसमें वो तली हुई प्याज भी डाल लेते हैं जो हमने पीस के रखी हुई है। इसमें भी थोड़ा तेल है, अब इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज भी भुन गई, अब हमारी ग्रेवी बहुत बढ़िया बन गई है, अब ये बिल्कुल तैयार है कि इसमें अंडे ऐड कर दिए जाएँ। और अब हम अंडे डाल देते हैं इसमें, धीरे धीरे सावधानी से डालेंगे। अंडों को मसाले में थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने से अंडों में मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब ये अंडे मसाले में अच्छी तरह पक चुके हैं और इसमें मसालों का फ्लेवर भी खूब अच्छे से आ गया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हमारी अंडा ग्रेवी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन गई है, बढ़िया बन गई है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं हरा धनिया। हरा धनिया से इसमें एकदम मस्त फ्लेवर आने वाला है और इसका स्वाद भी दुगना हो जाएगा। वाओ वाओ, कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में ही। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे खा के आपका मूड बहुत अच्छा हो जाने वाला है। और अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल पौष्टिक खाना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी दीजिएगा, और अपने नियर्स और डियर्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ। बाय बाय।